जैसे जैसे द न्यू एम्पायर की रिलीज डेट करीब आ रही है, लोगों के बीच में इस मूवी को देखने की उत्सुकता मानो बढ़ती ही जा रही है। साथ ही इस मूवी के कई ट्रेलर्स को देखकर हम ये भी जान पा रहे हैं कि ये मूवी इस पूरे दशक की सबसे बेस्ट मूवी बनने जा रही है, क्योंकि इस मूवी में हमें मॉन्स्टर्स, उनके बीच की बैटल तथा अनोखे पावर्स भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। अब चाहे वो पावर्स हमें कॉन्ग में ही क्यों ना देखने को मिले, क्योंकि कॉन्ग अपने जन्म स्थल पर पहुंच चुका है। अब ये अपने स्पीसीज का सबसे बड़ी उम्मीद की किरण बन चुका है। इसी की वजह से सभी कॉन्ग्स यूनाइट हो चुके हैं। यहाँ तक कि नन्हा सा ज़ुको भी कॉन्ग की वजह से ही सबसे लड़ने को तैयार हो जाता है। हालांकि इस मूवी में कॉन्ग से शायद उसकी एक्स भले ही छिन गई हो, पर इसे कुछ ऐसा मिल चुका है जिसे बीस्ट कहा जाता है, और ज्यादातर इस बात की संभावना है कि मूवी के अंत में इसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जो इसे मॉन्स्टर जगत का सबसे शक्तिशाली काइजू बनाने वाला है। पर क्या कॉन्ग इस लायक बनेगा, या अभी है कि ये मदर ऑफ ऑल टाइटन शिमू को मात दे सके? वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि मूवी के स्पॉयलर्स के साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉन्ग अकेला मार पाएगा टाइटन और शिमू को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि ऑलमोस्ट 90% हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गामा फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है। वैसे कोई जोर तो नहीं है, पर यदि आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करके हमारे नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कॉन्ग की, तो ये एक प्री हिस्ट्रिक सीमियन सुपर स्पीसीज का सदस्य है, जिसका एवोल्यूशन हॉलो अर्थ यानी धरती के सरफेस के नीचे एक ऐसे स्थल पर हुआ है जहाँ के वातावरण में सिर्फ ऐसे जीवों का वास है जिसकी काया किसी को भी चौंका दे। विशाल आकार के होने के साथ साथ ये जिस जगह रहते हैं वहाँ के सभी जीवों में इतनी ताकत पाई जाती है, जो एक बार इस धरती पर आ जाए तो तबाही आना निश्चित है। खैर, कॉन्ग का जन्म भले ही होलो अर्थ में हुआ था, पर इसका विकास एक ऐसे आइलैंड में हुआ जहाँ पर राज कुछ ऐसे खूंखार छिपकलियों का था जिनके दल ने मिलकर कॉन्ग के पूरे परिवार का सफाया कर दिया। किसी तरह कॉन्ग की जान तो बच गई और वो उसी आइलैंड में रहकर कई मुश्किलों का सामना करते हुए एक ऐसे मॉन्स्टर में तब्दील हुआ जिसकी पूजा न सिर्फ वहां के रहने वाले ट्राइब्स किया करते हैं, बल्कि मानो पूरा आइलैंड कॉन्ग के इशारों पर झुकता है। पर अब कॉन्ग होलो अर्थ में आ चुका है, पहले के मुकाबले ये कई गुना विशाल तथा ताकतवर बन चुका है। हालांकि शिमू से बैटल के दौरान हो सकता है इसकी एक्स बर्बाद हो गई हो, पर अब कॉन्ग को इंसानों द्वारा दी गई एक भेंट मिली है जिसे बीस्ट ग्लोव नाम दिया गया है, और इस पीले गॉन्टलेट में इतनी ताकत है कि यह विशाल इमारत को भी पल भर में ध्वस्त कर दे। और नए ट्रेलर में तो हम कॉन्ग के बीस्ट गॉन्टलेट का एक अलग ही रूप देखते हैं, क्योंकि इस गॉन्टलेट से बिजली बाहर निकलती है, यानी जिस प्रकार स्कार अपने व्हिप स्लैश से बिजली की बौछार कर पाता है, कम मात्रा ही सही पर कॉन्ग भी बिजली के झटके दे सकता है। अब यहाँ एक दृश्य में हम देखते हैं कि स्कार के व्हिप स्लैश के अंत में क्रिस्टल लगा हुआ है, जो काफी हद तक उसी क्रिस्टल की तरह लगता है जिसकी पूजा वहाँ के ट्राइब्स किया करते हैं, क्योंकि इसी सफेद क्रिस्टल के द्वारा पूरा होलो अर्थ संचालित होता है। ऐसे में स्कार किंग को मारने के बाद कॉन्ग इस पूरे जमी का सरदार बन जाएगा। इसके हाथों में भी न सिर्फ इस क्रिस्टल की कमान आ सकती है, अपितु स्कार किंग के भांति बिजली की अनोखी पावर भी आ सकती है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए इसे किसी गॉन्टलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसके शरीर के हर एक कोशिका से वह ऊर्जा बाहर निकल पाएगी। इसमें भी वो क्षमता आ जाएगी कि यह शिमू को कंट्रोल कर ले, और इस प्रकार किंग बन जाएगा किंग कॉन्ग। खैर, ये मेरी थ्योरी है, पर इस मूवी में हमें शिमू और कॉन्ग के बीच कई बैटल्स देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि पहली बार ये अपनी कुल्हाड़ी शिमू के अटैक से गवाएगा। दूसरे सीन में गॉडज़िला और कॉन्ग शिमू के द्वारा जमाए बर्फ से बाहर निकलकर दोनों मिलकर शिमू का सामना करेंगे। तो क्या शिमू इतना पावरफुल है जिसे हराने के लिए दोनों मॉन्स्टर्स को एक साथ आना पड़ा? लेकिन इससे पहले आइए बात करें कॉन्ग के पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो कॉन्ग की हिम्मत और निडरता इसे एक असल मायने में बीस्ट बनाती है। इसी वजह से अपने से भी ताकतवर गॉडज़िला, स्कल क्रॉलर के झुंड, बर्फ उगलता शिमू या खुद स्कार से ये दो हाथ करने में अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाता। कॉन्ग जितना विशाल है उतना निडर भी है, उतनी इसकी ताकत भी है। यही वजह है कि स्कल आइलैंड में रहते हुए इसने विशालकाय पेड़ों को किसी हथियार का शक्ल देते हुए उसे मीलों दूर फेंक दिया था। इसके आइलैंड में आए हेलीकॉप्टर्स को तो
इसने कुछ ही पलों में बर्बाद कर दिया। कॉन्ग के रहते हुए स्कल क्रॉलर की पूरी झुंड भी शिकार करने से परहेज किया करती थी, क्योंकि अगर ये कॉन्ग के नजर में आ जाए तो उन छिपकलियों का मौत होना तय था। यहाँ तक कि उसके जबड़ों को ये खोलकर उसकी जीव भी खींचकर बाहर निकाल दिया करते थे। खैर, ये तो एक यंग कॉन्ग की बात थी, लेकिन गॉडज़िला एक्स कॉन्ग अब पूरी तरह से बदल चुका है। यही वजह है कि इसने विशाल वॉरबेट्स को अपने हाथों से ही कुचल दिया था। लाख टन वाले गॉडज़िला को भी घूंसे मारकर उसे बतला दिया कि उसके अलावा भी धरती पर कोई और है, और गॉडज़िला एक्स कॉन्ग में तो इसने अपने एक ही घूंसे से स्कार किंग के दांत भी तोड़ दिए। खैर, कॉन्ग बिना शक्तियों के भी गॉडज़िला को पहले चौंका चुका है, पर अब तो कॉन्ग के हाथों में बीस्ट ग्लोब आ चुकी है, जो होलो अर्थ में मौजूद एनर्जी को सोख कर चार्ज होती है, और इसका इम्पैक्ट बड़ा ही जबरदस्त होता है। वैसे कॉन्ग के हाथ में कुछ न भी हो तब भी ये किसी चीजों को हथियार बनाना जानता है, और सिर्फ एक कुल्हाड़ी मिलने के मात्र से ही इसने गॉडज़िला को तारे दिखाए थे। ऐसे में बिजली की पावर से लैस ये गॉन्टलेट मिल जाने पर ये शिमू की क्या ही हाल कर सकता है। कॉन्ग शक्तिशाली तो है ही, पर इसकी रीजनिंग पावर और इंटेलिजेंस इसे सबसे खास बनाती है। यही वजह है कि इंसानों के साथ मिलकर काम कैसे किया जाए इसके अलावा बाकी किसी भी टाइटंस को नहीं आता। ये अपने बल तथा बुद्धि दोनों का प्रयोग करके कैसे भी हालातों से बाहर निकल चुका है, पर क्या ये शिमू नामक खतरे से बचकर बाहर निकल पाएगा? क्योंकि बात करें शिमू की, तो भले ही इसकी पूरी झलक हमें ट्रेलर में देखने को कहीं नहीं मिली, पर इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये एक फीमेल टाइटन है। साथ ही इसे मदर ऑफ ऑल टाइटंस माना जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर वर्स के धरती पर टाइटंस की उत्पत्ति इसी ने करी है। इस हिसाब से मॉन्स्टर वर्स में इसके जितना पुराना और विशाल टाइटन का होना भी थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो इस टाइटन के आकार को लेकर ज्यादा जानकारी रिवील नहीं करी गई, पर गॉडज़िला और सीमू के बैटल के दौरान इस दृश्य को देखे तो पता चलता है कि इसके सामने तो इवोल्व हो चुका गॉडज़िला भी काफी छोटा लग रहा है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मॉन्स्टर वर्स में अभी तक सबसे विशाल टाइटन तियामत है, जिसे 847 फीट लंबा बताया जाता है। सीमू की लंबाई की तुलना टाइटन तियामत से करे तो अपने विशाल पूंछ और लंबी गर्दन होने के कारण यह तियामत से भी थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखलाई पड़ता है। हालांकि तियामत को इतना ताकतवर माना जाता है कि इसने गॉडज़िला को भी हराया था, पर सीमू के सामने तियामत कुछ भी नहीं। यहां तक कि टाइटनस मैथुसला को काफी ऊंचा टाइटन माना जाता है, क्योंकि यह 322 फीट ऊंचा है, पर सीमू मैथुसला से भी ज्यादा ऊंचा है। मॉन्स्टर जीरो एक और जहां 551 फीट का है, वहीं सीमू उससे कहीं अधिक विशाल है। एक नजर सीमू के डोर्सल पर ध्यान दे तो इसकी डोर्सल के आगे गॉडज़िला के डोर्सल भी कुछ नहीं, क्योंकि सीमू के डोर्सल ज्यादा की संख्या में ज्यादा बड़े, ज्यादा लंबे तथा सिर से लेकर पूंछ तक पूरी तरह से फैले हुए हैं। यानी एनर्जी स्टोर करने के मामले में गॉडज़िला भी इससे काफी पीछे है, और ये गॉडज़िला से भी ज्यादा घातक हमला करने में सक्षम है। शिमू के शरीर का रंग इस प्रकार है कि बर्फीले क्षेत्रों में इसे लगभग देखा ही नहीं जा सकता। इसके डोर्सल भी किसी बर्फ की क्रिस्टल की तरह लगते हैं, और शरीर मानो बर्फ में मौजूद कोई चट्टान हो, और इसकी ताकत भी बर्फ से जुड़ी हुई है। जैसे कि इस क्लिप को देखें तो सीमू की उपस्थिति मात्र से गर्म क्षेत्र में मौजूद कॉन्ग्स के आसपास की जमीन जमना शुरू हो जाती है। खैर, इस सीन से स्पष्ट हो जाता है कि सीमू को इस लावा के अंदर मौजूद गुफा में कैद करके रखा गया है। अब जरा कल्पना करें, लावा वाले जगह में इसकी उपस्थिति उसे बर्फ में तब्दील कर सकती है, तब इसके हमलों से क्या ही होगा। ऐसा भी माना जाता है कि इसी के हमलों की वजह से कॉन्ग की कुल्हाड़ी नष्ट हो जाती है, और गॉडज़िला को इसी ने शुरू में बर्फ में कैद कर दिया था, जिसे चीरते हुए गॉडज़िला ट्रेलर से बाहर आता दिखलाई पड़ता है, और उसी वक्त शायद गॉडज़िला में पिंक रोशनी एक्टिवेट हो जाती है। सीमू के पंजों को भी देखें तो इसके विशाल पैर तथा उसमें मौजूद नाखून भी इतने डेडली होते हैं कि ये काफी आसानी से कई टाइटंस को एक ही वार में मौत के घाट उतार दे। इसके फोर लिम्स गॉडज़िला से तो बड़े ही हैं, इसलिए यह चार पैर के बल से भी चल सकती है, और इसके पूंछ को देखें तो विशाल होने के साथ साथ इसमें मौजूद डोर्सल इतने बड़े हैं कि इसकी एक वार किसी की श्वास छीन सकती है। इसकी अटैक बिल्कुल स्टेगोसोरस तथा एंकिलोसोरस की तरह होती है, पर उससे कई गुना ज्यादा डेडली। और इसकी जो सबसे खास पावर है वो है इसकी फ्रॉस्ट ब्रीथ, जिसे निकलने वाली एनर्जी आसमान को चीरते हुए पूरे वातावरण को ही बदल दे। ये मौसम को तो कंट्रोल कर ही सकती है, पर इसकी फुल पोटेंशियल फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट से पूरी धरती पर आइस एज आ सकती है।
यानी भले ही एक अटैक से गॉडज़िला पूरी मानव सभ्यता को न मिटा सके, पर सीमू सिर्फ मानव क्यों पूरे जीव को अपने मात्र एक ही अटैक से मिटा सकता है। यानी सभी बातों के तरफ गौर करें तो मूवी के अंत में सीमू की मौत होगी या नहीं, ये डाउटफुल है, पर इतना स्पष्ट है कि कॉन्ग मूवी में मरने की स्थिति पर आ जाएगा। एक पल को ऐसा लगेगा कि ये मरने वाला है, पर सभी ट्राइब्स मिलकर इस क्रिस्टल के पावर अथवा हो सकता है कि मोथरा की भी कोई कृपा से कॉन्ग जाग उठे, और इस बार कॉन्ग कुछ अलग ही होगा, पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर, पूरे होलो अर्थ का कंट्रोलर तथा अनोखी शक्तियों के साथ, तब जाकर ये सीमू को कंट्रोल कर सकता है। इतना तो तय है कि बीस्ट गोलेट के साथ भी कॉन्ग सीमू को नहीं मार सकता, पर नई पावर्स के साथ ये सीमू को परेशान जरूर कर सकता है, पर मदर ऑफ ऑल टाइटन को मार पाना अब भी कॉन्ग के लिए काफी बड़ा चुनौती बना है। अगर सीमू कॉन्ग के कंट्रोल में ना आए और ये लड़ाई वन वर्सेस वन की हो, तब सीमू कॉन्ग को हरा देगा। हालांकि गॉडज़िला का सहायता लेकर कॉन्ग कुछ भी कर सकता है, ऐसे में अनोखी पावर्स मिल जाने पर ये गॉडज़िला के साथ मिलकर सीमू तो क्या ये किसी भी टाइटन का नामो निशान तक मिटा सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।